खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। किसान अंदोलन दौरान भाजपा के कुछ वड्डे लीडरां ते भाजपा दीआं समर्थक वड्डियां हस्तियां वल्लों सिखां ते पंजाबियों विरुद्ध कीतियां टिप्पणियां दा दाग धोण लई हुण प्रधानमंत्री अते होर भाजपा आगू पंजाबियों खास करके सिखां दी तारीफ करके माहौल विच आई फिरकू रंगत नूं मिटाउण दे यतन करन लगे हन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार नूं राज्य सभा विच किसानां नूं अपना अंदोलन खत्म करन दी अपील करदिआं इह गल वी जोर दे के कही कि कुछ लोग सिखां नूं गुमराह कर रहे हन। देश नूं सिखां ते माण है ते हुण वी अंदोलन नाल जुड़े लोकां नाल सरकार लगातार गलबात कर रही है। उन्होंने देश के लिए सिखा दी कुर्बानियों का जिक्र भी बड़ा हुब के किया। रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद भी हमारे कृषि क्षेत्र में समस्याएं है, कोई ये तो मना नहीं कर सकता है समस्याएं नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान हम सबको मिलकर के करना होगा। और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। हमारे राम गोपाल जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया, सरकार ने भी बीज खाद सारी चीजें कोरोना काल में भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं होने दी, कोई संकट नहीं आने दिया, और उसका सामूहिक परिणाम मिला कि देश के पास यह भंडार भरा रहा। उपज की रिकॉर्ड खरीदी भी इस कोरोना काल में ही हुई। तो मैं समझता हूं कि हमने नए नए उपाय खोज करके आगे बढ़ना होगा। और जैसा मैंने कहा, कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी, जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं, और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया, यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहां होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुट जाओ, बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है, और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है, आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले हैं, ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। आदरणीय सभापति जी, ये बात निश्चित है, हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का ये समय है, इस समय को हमने गंवा नहीं देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए, और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे, और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी, इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा।
इस सदन की पवित्रता समझे हम, जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं, उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसा करना ही होगा ताकि किसानी पर बोझ कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए उनके लिए हम और अवसर उपलब्ध करा सकें। इनकी तकलीफों को दूर करने के लिए हमने काम करना होगा। और हम ये न भूलें कि कुछ लोग हमारे खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ये देश हर सिख के लिए गर्व करता है। देश के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, उनका जितना हम आदर करें उतना कम है। गुरुओं की महान परंपरा हो, और मेरा भाग्य रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिला है। मैं जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष पंजाब में बिताए, इसलिए मुझे मालूम है। और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं, उनको गुमराह करने के जो लोग प्रयास करते हैं, इससे कभी देश का भला नहीं होगा। और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने की आवश्यकता है। वधेरी जानकारी लिए लाइक करो साडे फेसबुक पेज नू, ते सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल नू, ते इंस्टाग्राम नू फॉलो करना ना भूलियो।